फ्रेंड्स, आई एम चिका। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आप लोगों के साथ ग्वावा जूस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे कि हम अमरूद भी बोलते हैं और जामफल भी बोला जाता है। इसे हमें प्रतिदिन अपनी डेली लाइफ में जरूर हमें इसका जूस पीना चाहिए। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो ग्वावा। थोड़ा सा हम शुगर की जगह जैगरी का यूज कर रहे हैं, जैगरी जो कि और ज्यादा जिसमें कि आयरन होता है, इसलिए मैं शुगर की जगह जैगरी ले रही हूँ। एक चम्मच काला नमक लेंगे, काला नमक जो कि पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। काली मिर्ची लेंगे हम एक छोटी चम्मच, और आधा नींबू लिया है मैंने। पहले हम ग्वावा को काट लेंगे। छिलके ना उतारे तो ज़्यादा अच्छा है। हर फल और सब्जियों के छिलके में बहुत ही ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए छिलके ना उतारें तो ज़्यादा अच्छा है। हम बारीक बारीक पीस में काट लेंगे, थोड़े मोटे काटें तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। तीनों जामफल को काट लेंगे। इस तरह से मैंने तीनों ग्वावा को आपस में ये काट लिया है। बहुत ही ग्वावा में बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स मिनरल्स होते हैं। आधा गिलास पानी डालेंगे। बहुत से लोग दूध भी डालते हैं, आप चाहें तो दूध भी डालें, पर दूध का फिर हम सिर्फ मीठा ही बना सकते हैं। ये थोड़ा सा मीठा और नमकीन दोनों ही टेस्ट आएगा। काला नमक डाल रही हूँ मैं, आधी चम्मच काला नमक डाला है मैंने। काली मिर्ची डालें आप आधी चम्मच, या टेस्ट के अनुसार भी ले सकते हैं काली मिर्ची। थोड़े से गुड़ के पीस डालें, शक्कर की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, गुड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा नींबू, आधा ही ले रही हूँ मैं, इस तरह से नींबू का रस डालें ताकि बीजे हमारे हाथ में आ जाए। ये हमारा जूस तैयार है। अब इसे हम अच्छी तरह से छान लें ताकि इसके जितने भी सीड्स हैं वो निकल जाएं। जूस रेडी है, ग्वावा जूस हमारा रेडी है, इसे अब हम ले सकते हैं। हमें प्रतिदिन खाने के बाद एक जामफल जरूर। थोड़ी सी काली मिर्ची डाल दें टेस्ट के अनुसार, और इस तरह से अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।